हाय गाइस गाइस, आज हमने जो मार्केट से प्रॉफिट जनरेट किया है वह किया है करीब करीब 101,492 रुपए का। देखिए, मैंने आप लोगों को कल एक बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस के बारे में एक वीडियो अपलोड करके दिया था और मैंने आपको दोनों के बारे में बताया था कि आपको एग्जैक्ट लेवल पर कौन से लेवल पर खरीदारी करनी है और कौन से लेवल पर आकर बिकवाली करनी है। मैंने आपको बैंक निफ्टी के अंदर बताया था कि जैसे ही मार्केट 44,899 के ऊपर निकलेगा तो आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है, और अगर हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे तो हमें यहाँ पर 44,800 का यहाँ पर ब्रेकडाउन होने देना होगा, तभी हम यहां पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर सकते हैं। और साथ में मैंने आपको यह भी बताया था बैंक निफ्टी के अंदर कि अगर मार्केट यहां पर 45,000 के ऊपर निकलता है तो यहां पर हमें बड़े लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट तो किया और दो बड़े कैंडल्स के साथ यहां पर मार्केट ने सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन लास्ट में आकर मार्केट ने इस लेवल को सस्टेन नहीं किया और वापस से मार्केट अपने सेलिंग जोन के अंदर आ गया और हमें फिर से एक यहां पर जो हमारा बाइंग जोन था उसी लेवल को एक सपोर्ट बनाया। वापस से मार्केट इन्हीं दोनों लेवल्स के बीच में घूमता रहा। ठीक है, तो आज के दिन हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते थे वह मैंने आपको कल बताया था, और अब हम कल किस तरीके से ट्रेड करेंगे यह मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले चलते हैं हम FIDI के डेटा की तरफ। हम FIDI का डेटा देखेंगे कि FIDI ने अपनी क्या पोजीशंस बनाई हैं। FI कैश सेगमेंट में यहाँ पर 711 करोड़ रुपये एग्जिट करके गए हैं। DI ने कैश सेगमेंट में 537 करोड़ रुपये की खरीदारी की है। FI इंडेक्स फ्यूचर में यहां पर 423 करोड़ रुपए की खरीदारी करके गए हैं। FI इंडेक्स ऑप्शन से यहां पर 936 करोड़ रुपए एग्जिट करके गए हैं। FI स्टॉक फ्यूचर में यहां पर 82 करोड़ रुपए एग्जिट करके गए हैं, और FI स्टॉक ऑप्शंस में यहां पर केवल और केवल 1.65 CR की यहां पर खरीदारी करके गए हैं। तो ओवरऑल यह डेटा पॉजिटिव नहीं है, यह डेटा निगेटिव है। लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि हम FIDI के डेटा के बेस पर सिर्फ मार्केट का एक व्यू लेते हैं कि FIDI मार्केट को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं, ये मार्केट को किस साइड ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे पास जो है 3-स्टार सेटअप है। हम मार्केट के अंदर FIDI का डेटा, मूविंग एवरेज और यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस और इनकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए पिवट्स पॉइंट और यहाँ पर फिबोनाची टूल्स, कुछ इस तरीके के हम एनालिसिस यहाँ पर लेकर चलते हैं जिससे हमारे 3-स्टार सेटअप की एक एक्यूरेसी को हम बढ़ा सकें और अच्छे प्रॉफिट मार्केट से बना सकें। अब देखते हैं कि हम बैंक निफ्टी में कल के दिन किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी में हमारा एक लेवल आता है 45,000 का। जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा हमें वापस से यहाँ पर खरीदारी करनी है, और हमारा जो पहला टारगेट होगा वह हमारा टारगेट होने वाला है, यहाँ पर हमारा एक टारगेट है 45,100 के आसपास। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो वापस से हमें बड़े लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 45,000 के ऊपर ही हमें यहाँ पर खरीदारी करनी है। अगर मार्केट 45,000 यानी कि जहां आज मार्केट क्लोज हुआ है यहां आसपास ओपन होता है, ठीक है, और इसका ब्रेकआउट नहीं करता है तो वापस से मार्केट नीचे चलने की कोशिश करेगा, ठीक है। और हमें बड़े लेवल्स कहां देखने के लिए मिल सकते हैं, जहां पर मार्केट 44,899 का जब तक मार्केट यहां पर ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक यहां पर हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी के बड़े लेवल्स देख। अभी मार्केट एक बॉक्स में घूम रहा है आप देख सकते हैं, और मार्केट के अंदर जो हमने आपको 4 लाइंस मार्क करके दिए हैं, एक है हमारा 45,100, ठीक है, और हमारा है 45,000, यहां पर है 44,899 और 44,800, यह हमारे एक स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं 4। तो कल के दिन मार्केट कहीं ना कहीं इन लेवल्स का आपको ब्रेकआउट के ब्रेकडाउन करता हुआ दिखाई देगा। मार्केट में जिस साइड का भी यहाँ पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है आपने उसी साइड के यहाँ पर कल के दिन ट्रेड करते हैं, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रख के चलिएगा। अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। देखिए, निफ्टी के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था, आपको एक लाइन मार्क करके दिया था कि अगर मार्केट यहाँ पर 19,584 के नीचे निकलता है तो यहाँ पर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है। अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा तो आई होप आपने आज यहाँ पर अच्छा पैसा ज़रूर बनाया होगा। और मैंने ये भी बताया था कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर रहता है तो यहाँ पर हमें खरीदारी करने का एक अच्छा मौका मिल सकता है, लेकिन मार्केट ने कहीं भी आज निफ्टी के अंदर एक अच्छे मौके हमें बाइंग साइड के नहीं दिए हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट के अंदर जो एक लेवल था, हमारा सपोर्ट जोन था, वह था हमारा यहाँ पर
मैं इसको मार्क कर देता हूँ 19,500 मार्केट ने वापस से इसी लेवल को सस्टेन किया है। यह हमारा प्रीवियस सपोर्ट था और आज भी मार्केट ने इसी लेवल से सपोर्ट लिया है और मार्केट ने इसी लेवल को सस्टेन करते हुए मार्केट ने 19,584 का ब्रेकआउट किया और वापस से मार्केट नीचे गिर गया। अब हम कल के दिन निफ्टी के अंदर किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, देखिए अगर निफ्टी यहाँ पर वापस से 19,584 के ऊपर निकलता है, ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और अगर मार्केट के अंदर यहाँ पर 19,533 के नीचे मार्केट निकलता है तो हमें यहाँ पर एक फिर से बड़ी सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। और मार्केट के अंदर एक लेवल और आता है जो मार्केट ने हमें आज क्रिएट करके दिया है, ठीक है, वह लेवल से भी मैं आप लोगों को देता हूँ। एक छोटा लेवल है लेकिन इस लेवल को भी आप ध्यान में रखकर चलिए, मैं इस लेवल को मार्क कर देता हूँ, यानी कि 19,558 यानी कि 19,558, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो फिर से हमें यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलेगी। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं और अपने ट्रेड को ऐसे ट्रेल करते हुए होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी के बड़े लेवल चाहिए तो हमें 19,584 का यहाँ पर ब्रेकआउट होने देना होगा। मार्केट को सस्टेन होने दीजिए, ठीक है, और मार्केट में फिर से खरीदारी कीजिए, आपको बड़े लेवल्स मार्केट में कल के दिन देखने के लिए मिल सकते हैं। आई होप अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।